हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हो, आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि जेईई मेन 2022 का जो एग्जामिनेशन है उसके अटेम्प्ट को रिड्यूस कर दिया गया। सिर्फ एग्जामिनेशन 2 ही बार होगा इस साल, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। एक और आर्टिकल से देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया का, और ये न्यूज़ जो आया सबसे पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया। स्टूडेंट गेट ओनली 2 चांस नॉट 4 टू क्रैक जेईई मेन दिस ईयर। सिर्फ आपको 2 चांस दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या फिर न्यूज़ के द्वारा बताया जा रहा है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो साफ साफ देख सकते हो, जेई मेन 2022 स्टूडेंट टू गेट ओनली 2 अटेम्प्ट इंस्टेड ऑफ 4। सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे 4 की जगह, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। से रिपोर्ट्स, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। तो ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के जरिए। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एंड ऑफ फरवरी में स्टार्ट होने की उम्मीद है, ये भी रिपोर्ट में कहा जा रहा है, ये भी ऑफिशियल नहीं है। तो आप देख सकते हो, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको सिर्फ 2 चांस मिलेगा टू क्रैक जेईई मेन दिस ईयर। क्यों, आपको ये बताना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, 2019 में क्या था कि अटेम्प्ट को इनक्रीज किया गया, 1 से 2 किया गया, और देन उसके बाद 2021 तक में ये अटेम्प्ट को 4 बार कर दिया गया। इसमें क्या है, मल्टीपल सेशन में बच्चों के एग्जामिनेशन होते हैं, और इससे क्या होता है कि हाई प्रेशर एग्जामिनेशन है और बच्चों के ऊपर प्रेशर भी रहता है कि अच्छे से स्कोर करना है। और जो बेस्ट 4 अटेम्प्ट आपका होगा, चारों में से जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा उसके बेसिस पे फाइनल स्कोर तैयार किया जाता है, जो कि 2021 में किया गया। तो इस साल बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 बार एग्जामिनेशन होंगे। देख सकते हो, स्टूडेंट हु विल अपियर फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस ईयर विल गेट ओनली 2 अटेम्प्ट इंस्टेड ऑफ 4। सिर्फ 2 चांस आपको दिया जाएगा। अब इसके बारे में और समझते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन अप्रैल एंड मई। एग्जामिनेशन जो है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल और मई में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, और नीट एग्जामिनेशन जो कि मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये जून या फिर जुलाई में होगा। नीट एग्जामिनेशन सिर्फ 1 बार होगा, और जो जेई मेन एग्जामिनेशन है ये 2 बार होगा। ऐसा कहाँ पे बताया गया, तो ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया गया। यहाँ देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। लास्ट ईयर 4 सेशन एग्जामिनेशन हुए थे, जिसमें आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का जो एग्जामिनेशन है वो आपका अगस्त और सितंबर में होगा। फरवरी मार्च के सेशन तो हो गया, उसके बाद कोविड आ गया और एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंजेस किया गया, क्योंकि पता है आपको, बहुत सारे जो स्कूल के बोर्ड्स हैं और जो स्टेट बोर्ड्स हैं, प्राइवेट सीबीएसई है, आईसीएसई, उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया था, जिसकी वजह से जेई मेन के एग्जामिनेशन पैटर्न में भी चेंजेस किया गया, जिसमें आपको पता है 20 MCQs और 5 आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाने थे 10 में से। और देखो, जो आपका बेस्ट स्कोर होता है ना, उसमें से जो फाइनल रिजल्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो आपके जो दोनों एग्जामिनेशन में जो परसेंटाइल होंगे, अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि 4 बार एग्जामिनेशन होगा कि 2 बार होगा। तो ऑफिशियल नोटिस का वेट करो, अभी भी ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है। जेई मेन एग्जामिनेशन ऐसा बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में हो सकता है और मल्टीपल सेशन में होंगे, या तो 2 बार होगा या तो 4 बार होगा। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, और भी अपडेट्स अभी आने बाकी हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, अभी अब जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज के अपडेट के लिए। टेलीग्राम ऐप में ना सर्च कर लेना @PallavAsoFilms, सिंपली सर्च करोगे @PallavAsoFilms, तो आपको वहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगा। करीब 300 मेंबर्स हैं, ज्वाइन कर लेना, वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।